हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 11th ऑफ अक्टूबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे आज जैसा मैं बताया था आपको, एक पॉइंट बता रहा था, जब भी बहुत ज़्यादा फॉल होता है तो इस तरीके का एक ट्रैंगुलर पैटर्न बनता है, इससे ब्रेकआउट मिलता है और ये शेयर ऊपर की ओर निकलने लगता है। नो डाउट वन वे में ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, फिर यहाँ पे ये जा रहे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक करके नीचे आया है, एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं और हर रेजिस्टेंस को जाके हिट करके प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है। यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऊपर गया फिर नीचे आया और ये बहुत ही परफेक्टली आज के दिन जैसे 1680 का 70 का यहाँ पे सॉरी 1660 का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, ये जो भी हमारा वन वे मोमेंटम था ये कहीं ना कहीं शिफ्ट करते हुए नजर आया। अपना प्राइस एक्शन पैटर्न, अपना जो ट्रेंड था वो शिफ्ट हो रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्लियरली नजर आएगा। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम हुआ और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लो था ठीक है फ्रेश लो बन गया और ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया और यहाँ पे फ्रेश हाई बन गया है। तो अब धीरे धीरे स्लोली ये इन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करेगा, 1690 जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए 1690 से लेकर 1700 810 रुपीज़ का बफर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर से हो सकता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिले और यहाँ पे इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ये कवर करते हुए ऊपर की ओर आराम से 1725 1740 इन लेवल्स के आसपास निकले। और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये फिर अगर ऐसा होता है, अगर ब्रेकडाउन अभी करना नहीं चाहिए जिस तरीके से आज के दिन हम लोग को क्लोजिंग मिला है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ऑटोमेटिकली इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड ऐसे सिचुएशन में हमें अगेन ये इसी लेवल के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस तरीके का दो ही हम लोग यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा इन लेवल्स के आसपास ठीक है, एंड सेकेंडली हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया यहाँ से फिर से इसी जोन में वापस आकर ट्रेड कर सकता है। तो ये दो सिनारियों यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रहा है टेक्निकली HDFC बैंक में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।